हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, आपके एडमिट कार्ड कब जारी हो सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक बात को सही से समझे, क्योंकि यहां पर जो भी मैं जानकारी देता हूं वो एकदम रियल होती है, एकदम सही होती है। फेक जानकारी देना मेरा यहां पर उद्देश्य नहीं है। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, सही न्यूज सही जानकारी देने के लिए ही ये चैनल यहां पर बनाया गया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर से करें, ताकि सभी बच्चों को ये न्यूज मिल सके कि एग्जाम आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम कब हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और बिल्कुल इंतजार बनता भी है, क्योंकि जो एग्जाम जुलाई या अगस्त में होना था और अब 2019 नवंबर चल रहा है, दिसंबर तक भी एग्जाम होने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती, तो ऐसे में परेशान होना भी लाजमी सी बात हो जाती है। तो स्टूडेंट यहां पर जो एग्जाम की जो डेट निकल कर आ रही है, वो डेट निकल कर आ रही है 15 जनवरी के बाद। एग्जैक्ट डेट तो कंफर्म नहीं हुई हो पाई है, क्योंकि ऑफिशियल कोई भी न्यूज यहां से रिलीज नहीं हुई है। थोड़ा सा जो आइडिया मिला है वो न्यूज़पेपर से मिला है और साथ ही यहां पर बिलासपुर रेलवे के चेयरमैन का जो बयान था उससे भी ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि आपका एग्जाम 15 जनवरी के आसपास ही होने की उम्मीद है। अगर आपका एग्जाम 15 जनवरी से होता है तो अब आप लगा लीजिए कि आपके पास करीब 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 यहां पर 2 महीने का समय हो जाता है। बाकी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आपके पास कितना समय है। अगर 15 जनवरी के आसपास आपका एग्जाम होता है तो ये पूरी संभावना है कि जो आपके एडमिट कार्ड होंगे, रेलवे के द्वारा जो एडमिट कार्ड आपके जारी किए जाएंगे, वो किए जाएंगे फर्स्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही है, 4 से 5 दिन या सप्ताह भर पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट वीक में आपके यहां पर, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और 15 के आसपास किसी भी डेट में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल यह बनता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका ग्रुप डी एग्जाम भी तय है। बिल्कुल, उससे पहले तो ग्रुप डी की भी कोई संभावना नहीं बन रही, ठीक है, ना पहले बन रही थी ना ही अब बन पा रही है, तो उसके बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी होगा। तो स्टूडेंट अब आपके पास करीब करीब 2 महीने का समय है, या जितना भी समय है वो आप खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आप बरकरार करके चले, ठीक है। किसी भी तरह की इस वक्त लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि यहां पर एक रफली आपको जब यह पता चल जाता है, रफली एक आइडिया मिल जाता है कि आपका एग्जाम तब से होना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव होने भी चाहिए, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के लिए हम एक्टिव होने चाहिए। तो फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर अपनी तैयारी पर आप फोकस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए टेस्ट सीरीज पर, ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके चले, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं, ताकि आप खुद से अंदाजा लगा सके आप कितने लेवल पर है, किस लेवल पर है आप, कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप, आउट ऑफ 100 60 स्कोर कर पा रहे हैं, 65 स्कोर कर पा रहे हैं, या फिर उससे अबव आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो वो जो टेस्ट सीरीज होगा वो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने का काम यहां पर करेगा। तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, ठीक है, और एक एक टॉपिक को यहां पर क्लियर करके चले। बहुत ही जल्दी मैं आपकी एक वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जहां पर मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे अब जो आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी, आप जुड़े रहिए बस मेरे साथ। तो स्टूडेंट इस वीडियो के जरिए, इस छोटी सी वीडियो के जरिए बस आपको यही जानकारी देनी थी कि जो आपका एग्जाम है वो 15 जनवरी के आसपास संभावित है, हो सकता है, जिसकी पूरी प्रबल संभावना, 100% श्योर नहीं हो, बट 100% श्योर ना होते हुए भी यहां पर जो संभावना बन रही है वो इसी की बन रही है कि 15 जनवरी के आपके आपका एग्जाम 15 जनवरी के आसपास कभी भी स्टार्ट
हो सकता है और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड भी यहां पर मिल जाएंगे। तो इसी तरह की अपडेट से रिलेटेड वीडियोस, न्यूज से रिलेटेड वीडियोस और हमारे मैथमेटिक्स ट्रिक्स की वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके चलें, गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। क्लियर स्टूडेंट? और वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर से करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये न्यूज पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।